ओके वेलकम टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगेन कम टू वन क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू डिक्टेट एक क्वेश्चन लिखेंगे नोटबुक में क्वेश्चन लिख लो इजी है एक और प्रैक्टिस करते हैं अफर मेज अ डेट इक्विटी रेशियो ऑफ अफर मेज अ डेट इक्विटी रेशियो ऑफ पॉइंट सेवन अफर मेज अ डेट इक्विटी रेशियो ऑफ पॉइंट सेवन डेट इक्विटी रेशियो पॉइंट सेवन है इक्विटी बीटा इज वन पॉइंट एट इक्विटी बीटा इज वन पॉइंट एट if the firm changes its if the firm changes its debt equity ratio to if the firm changes its debt equity ratio to 0.9 if the firm changes its debt equity ratio to 0.9 calculate the new equity beta calculate the new equity beta calculate the new equity beta full stop tax rate is equal to 30 percent tax rate is equal to 30 percent तो इस क्वेश्चन में आपको पहले एग्जिस्टिंग इक्विटी बीटा दिया हुआ है डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है तो क्या हम ओवरऑल बीटा निकाल सकते हैं तो स्टेप वन क्या होगा ओवरऑल बीटा या अनलिवर्ड बीटा फाइंड आउट कर लेंगे और अगली बार उस ओवरऑल बीटा को यूज करके और इस रिवाइज डेट इक्विटी रेशियो को यूज करके आप न्यू इक्विटी बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में डेट बीटा नहीं दिया हुआ है तो बीटा ऑफ डेट इज अज्यूम टू बी जीरो पहले हम दो कैलकुलेशन कर लेते हैं लिखना स्टेप वन स्टेप वन अनलिव बीटा इनटू ब्रैकेट ओवरऑल बीटा अनलिवर्ड बीटा या ओवरऑल बीटा तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमने सीखा है लीवर्ड बीटा अपॉन वन प्लस डेट बाय इक्विटी इनटू वन माइनस टी फॉर्मूले का लॉजिक सुबह लिखाया गया था 1.8 अपॉन 1 प्लस पॉइंट सेवन ये आपका एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी रेशियो है इंटू वन माइनस जीरो पॉइंट थ्री सॉल्व करेंगे सॉल्व करना क्या आंसर आप पाया आपने करीब 1.208 आ रहे है 1.208 आ रहे है चेक करना राइट right? आप इसको राउंड ऑफ करके 1.21 लिख सकते हैं अब ये फर्म ने क्या अपना डेट इक्विटी रेशियो चेंज किया है तो ओवरऑल बीटा विल रिमेन सेम बट डेट इक्विटी रेशियो चेंज होने की वजह से इक्विटी बीटा चेंज हो जाएगा तो अब हम लिखेंगे लीवर्ड बीटा अनलीवर्ड बीटा इंटू वन प्लस डी बाई इंटू वन माइनस टी अब अनलिबर्ड बीटा यहाँ पे ये यह होगा 1.208, 1 प्लस न्यू डेट इक्विटी रेशियो क्या दिया हुआ है 0.9, 0.9 इनटू 1 माइनस डी 1 माइनस 0.3 सॉल्व करना तो ये आंसर लगभग आ रहा है 1.969 तो डेट इक्विटी रेशियो बढ़ने से आपका इक्विटी का बीटा भी बढ़ गया है एक अज्ञान लिखना बीटा ऑफ डेट इज़ to 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 be 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 zero, Beta of debt is to be zero, zero. of of is is तो ये आंसर कंप्लीट हुआ गया एक क्वेश्चन और लिखेंगे एक और छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे ये फॉर्मूला की मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि ऐसे क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में इमीडिएटली आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि हमें पहले लीवर्ड बीटा से अनलीवर्ड बीटा निकालना है और अनलीवर्ड बीटा से वापस इक्विटी बीटा निकाल सकते हैं एक और प्रैक्टिस करेंगे लिखो एक्स लिमिटेड प्रेजेंटली हैज एक्स लिमिटेड प्रेजेंटली हैज डेट इक्विटी रेशियो ऑफ जीरो पॉइंट फोर debt equity ratio of 0.4 and its stock trades in the market and its stock trade in the market with BE of what is B BE, beta of equity trades in the market with equity beta BE of 2.5 the firm decides to the firm decides to increase the weight of the debt the firm decides to increase the weight of the debt and goes for a and goes for a leveraged buyback program and goes for a leveraged buyback program एंड गोस फॉर अ लिवरेस्ट बाईबैक प्रोग्राम नेक्स्ट लाइन लिखना द न्यू डेट इक्विटी रेशियो इज पॉइंट नाइन द न्यू डेट इक्विटी रेशियो इज पॉइंट नाइन इफ आर एफ इक्वल टू 6% if RF equal to 6% and RM minus RF equal to 8% and RM minus RF equal to 8% find out the effect on the find out the effect on the firm's equity capitalization rate find out the effect on the firm's equity capitalization rate अभी आपको यहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकालना होगा इज इट राइट पिछले प्रॉब्लम में यहां तक सेम था डेट इक्विटी रेशियो पिछले बार भी आपने दिया था पहले और उसके बाद उसको चेंज किया लेकिन इस बार उन्होंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी पूछा है तो पहले हम क्या करेंगे पहले आपकी एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं लिखना स्टेप वन एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इनटू ब्रैकेट आरएम एम माइनस आर एफ तो अभी आर एफ कितना है सिक्स है बीटा है ऊपर 2.5 पॉइंट एंड रिस्क प्रीमियम है आठ तो चेक करते हैं 2.5 पॉइंट फाइव इन एट प्लस सिक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी परसेंट तो हमें देखेंगे कि डेट इक्विटी रेशियो चेंज करने से आपके कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा स्टेप वन आपने लिख लिया अब स्टेप टू लिखना इसको लिख दो स्टेप टू अनिवर्ड बीटा इनटू ब्रैकेट ओवरऑल बीटा अनलिवर्ड बीटा इनटू ब्रैकेट ओवरऑल बीटा फॉर्मूला है लिवर्ड बीटा अपॉन वन प्लस डी बाई इंटू वन माइनस टी टू पॉइंट फाइव अपॉन वन प्लस पॉइंट फोर इस क्वेश्चन में टैक्सेशन नहीं है देखो अगर टैक्सेशन नहीं है तो ये टैक्स रेट जीरो तो यानी ये उसको वन माइनस टी वन ही हो जाएगा छोड़ दो उसको सिर्फ वन पॉइंट फोर लिख दो फॉर्मूला मैंने लिखा है लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर टैक्सेशन नहीं है तो आप इस तरह से सॉल्व कर लेना तो जरा देखना आंसर कितना आ ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव डिवाइड बाई वन पॉइंट फोर करने से आंसर आ रहा है ठीक है उसको राउंड ऑफ कर दिया 1.79 स्टेप टू लीवर्ड बीटा डेट इज इक्विटी बीटा तो अब फॉर्मूला होगा अनलिवड बीटा इंटू वन प्लस डेट बाय इक्विटी इस बार मैं वन माइनस टी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि टैक्स नहीं है तो लिखना आप 1.79 ये आपका अनलिवर्ड बीटा है इनटू ब्रैकेट वन प्लस पॉइंट नाइन सॉल्व करना तो लगभग इस बार बीटा आपका आंसर आ रहा है थ्री पॉइंट फोर जीरो राउंड्रेड ऑफ इसको राउंड ऑफ कर दिया थ्री पॉइंट फोर राउंड ऑफ कर दिया थ्री पॉइंट फोर अब इस बीटा को यूज करके आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है ठीक है तो नाउ इसके नीचे लिखना कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ आर एफ कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में आर एफ कितना दिया हुआ था आठ सॉरी और आरएम आर एफ दिया हुआ है आठ छ प्लस थ्री पॉइंट फोर इंटू एट थ्री पॉइंट फोर इंटू एट प्लस सिक्स तो इस बार आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ गया है सो so नोट लिखना द कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल इंक्रीज अब एक और क्वेश्चन मैं आपको डिक्टेट करवाऊंगा इजी है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना इस बार अपने से ट्राई करना फॉर द परपज ऑफ वैल्युएशन फॉर द परपज ऑफ वैल्युएशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी फॉर द परपज ऑफ वैल्युएशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री in healthcare industry for the purpose of valuation of a private company in healthcare industry we have identified we have identified a proxy firm we have identified a proxy firm which is listed which is listed and belongs to the same industry and belongs to the same industry

यहाँ पे टैक्स रेट अलग है ध्यान देंगे प्रॉक्सी फर्म थर्टी टू परसेंट है प्राइवेट कंपनी थर्टी परसेंट है फाइंड आउट द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड आउट दी इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट फॉर द प्राइवेट कंपनी फाइंड आउट द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट फॉर द प्राइवेट कंपनी और फिर नीचे लिखना आर एफ इक्वल टू सिक्स परसेंट आर एम माइनस आर एफ इक्वल टू एट परसेंट आर एफ इक्वल टू सिक्स परसेंट आर एम माइनस आर एफ इक्वल टू एट परसेंट तो ये प्रॉक्सी फॉर्म का डेटा पहले हम यूज करके अनलिव बीटा निकालेंगे उस अनलिव बीटा को यूज करेंगे यहां इस डेटा को यूज करके और अनलिवर्ड बीटा तो इक्विटी बीटा आ जाएगा प्राइवेट कंपनी का और इक्विटी बीटा आने के बाद हम ये सी ए पी एम वाला इक्वेशन यूज करके उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेंगे तो एक ही क्वेश्चन कितने अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं तो पहले लिखना स्टेप वन अनलिवर्ड बीटा इनटू ब्रैकेट ओवरऑल बीटा एक और प्रैक्टिस कर रहे हैं ये लिवर्ड बीटा अपॉन वन प्लस डी ई इंटू वन माइनस टी ये आपको प्रॉक्सी प्रॉक्सीफर्म का डेटा यूज करके इंडस्ट्री का ओवरऑल बीटा निकालना है तो प्रॉक्सी प्रॉक्सीफर्म का आपको बीटा दिया हुआ इक्विटी बीटा टू पॉइंट टू अपॉन वन प्लस डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ पॉइंट एट इन वन माइनस जीरो पॉइंट थ्री टू इसको सॉल्व कीजिए इस कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिए सॉल्व करने के बाद क्या पाया आपने 1.42, 1.42. एक बार मैं चेक कर लू तो आ रहा है राउंड ऑफ कर दिया दो डिजिट में स्टेप टू लिखना लीवर्ड बीटा लीवर बीटा इनटू ब्रैकेट इक्विटी बीटा ऑफ प्राइवेट कंपनी इक्विटी बीटा ऑफ प्राइवेट कंपनी यहाँ पर हम अनलिवर्ड बीटा इंटू वन प्लस डेट बाई इक्विटी इंटू वन माइनस टी इंटू वन माइनस टी इक्वल टू वन पॉइंट फोर्टी टू ये वन पॉइंट फोर्टी टू यहाँ लिखेंगे इंटू ब्रैकेट वन प्लस इस प्राइवेट कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो पॉइंट सिक्स है Into minus एक और ध्यान देना यहाँ रेट थर्टी परसेंट है solve करना, solve करना कितना आ रहा है देखना जरा आंसर बताओ राउंड ऑफ कर दो टू डिजिट्स में तो यूज करके इसकी इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट निकाल सकते हैं यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी नीचे लिखो स्टेप थ्री कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी नेक्स्ट लाइन यूजिंग सी ए पी एम यूजिंग सी ए पी एम कॉमा कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ आर एफ कितना है बीटा है टू पॉइंट जीरो टू आर एम माइनस आर एफ एट सॉल्व करके आंसर बताना कितना आया टू पॉइंट जीरो करीब परसेंट आएगा डेसिमल के बाद डिफरेंस हो सकता है अगर आपने यहाँ पे तीन चार डिजिट लिखा हो नो प्रॉब्लम ट्वेंटी टू पॉइंट सिक्सटीन परसेंट तो अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो इन सारे क्वेश्चन में हमने अन बीटा निकाला प्रॉक्सी फॉर्म का और उसके बाद लीवर्ड बीटा निकाला जिस कंपनी की वैल्यू करनी थी यही है प्रॉक्सी बीटा का कॉन्सेप्ट अब हम एक बहुत ही एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर वन थर्टी फाइव अपनी बुक में आगे बढ़ना पेज नंबर वन वन फाइव पेज वन वन फाइव क्वेश्चन नंबर 135. मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है एबीसी लिमिटेड मैन्यूफेक्चर कार एयर कंडीशनर्स विंडो एसीज एंड स्प्लिट एसीस कॉन्स्टिट्यूटिंग 60 परसेंट ट्वेंटी परसेंट एंड 15 परसेंट ऑफ़ टोटल मार्केट वैल्यू यानी ये कंपनी एबीसी में तीन टाइप के एसी बनते हैं इसको तीन बिजनेस कहेंगे तीन प्रोजेक्ट कहेंगे एक कार का एसी एक जो विंडो एसी होता है वो और एक स्प्लिट एसी और ये इस कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू का इनका क्या परसेंटेज है 60 परसेंट ट्वेंटी एंड फिफ्टीन परसेंट तो एक तरह से वेटेज हो गया वेट हो गया ये स्टैंडशन एंड को इफिशियंट ऑफ को रिलेशन विद मार्केट रिटर्न विंडो ए सी इज गिवे बिलो तो क्वेश्चन देखना कंपनी के तीन बिजनेस मैंशन है कार एसी विंडो ए सी स्प्लिट ए सी लेकिन उनके पास जो डेटा अवेलेबल है कार ए सी का है पॉइंट थर्टी विंडो एसी का स्टैंडर्ड डिविएशन है uh, और इनका मार्केट के साथ को रिलेशन दिया हुआ पॉइंट सिक्स पॉइंट सेवन मार्केट के साथ को रिलेशन को रिलेशन दिस वट एवर आर एसी विंडो एसी एंड मार्केट ठीक है इसको आप ब्रैकेट में आर लिख दो नो डेटा फॉर नो डेटा फॉर स्टैंड अलोन स्टैंड St uh, division, no data for stand -alone दो बार नोट लिखा है एक ही बार लिखना चाहिए नो डेटा फॉर स्टैंड अलोन एस डी एंड कोरिलेशन ऑफ स्प्लिट ए सी इज अवेलेबल वहां नॉट लिखना था तो यहाँ पे नो हटाना था ठीक है कोई बात नहीं हम या ग्रामर की क्लास में नहीं बैठे हैं। अ कंपनी हु डिराइव्स तो अब इस कंपनी का स्प्लिट एसी का डेटा अवेलेबल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा किसी प्रॉक्सी फॉर्म को ढूंढना पड़ेगा कंपनी डिराइव्स इट्स हाफ वैल्यू फ्रॉम स्प्लिट एसी एक दूसरी रिप्रेजेंटेटिव कंपनी है ये प्रॉक्सी कंपनी है इसका 50% परसेंट वैल्यू स्प्लिट एसी से आता है एंड हाफ फ्रॉम विंडो एसी और आधा विंडो एसी से उसका रेवेन्यू जनरेट होता है इस कंपनी का 0.5 0.5 जो वेट है वो स्प्लिट एसी और विंडो एसी का है एंड हैज स्टैंडर्ड ऑफ फिफ्टी कंपनी का स्टैंडर्ड डिवीशन दे रखा है कंपनी का स्टैंडर्ड डिजन दे रखा है एंड ऑफ कोरिलेशन विद मार्केट इस ये जो प्रॉक्सी फर्म है इस प्रॉक्सी फर्म का कोरिलेशन विद मार्केट है 0.85 और स्टैंडर्ड डिविएशन है 0.50 राइट इंडेक्स हैज अ रिटर्न ऑफ 10 परसेंट ये 10 परसेंट वन नहीं है परसेंट का साइन है इंडेक्स हैज अ रिटर्न ऑफ 10 परसेंट एंड हैज अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉइंट तो ये क्यों दिया गया आर सिग्मा एस अपॉन सिग्मा एम तो आप कार एसी, विंडो एसी और ये जो प्रॉक्सी फर्म है उसका बीटा आप निकाल सकते हैं कार एसी विंडो एसी और प्रॉक्सी फर्म का बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं अब आपको क्वेश्चन आएगा कि हम स्प्लिट एसी का बीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे इज इट राइट तो वो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फर्दर द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज फोर परसेंट आर एफ हो गया यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन बीटा ऑफ एबीसी लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द बीटा ऑफ लिमिटेड तो एबीसी का बीटा आपको निकालना होगा दैट इज वेटेड एवरेज बीटा वेटेड एवरेज बीटा निकालने के लिए आपको इस आंसर को निकालने के लिए आपको चाहिए कार विंडो और स्प्लिट एसी का वेट वेट तो दिया हुआ है आपको चाहिए इनका बीटा बीटा आप निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कोरिलेशन मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन कोरिलेशन मार्केट का तो ये दोनों बीटा तो आपको मिल जाएंगे ये बीटा अभी तक हमारे हाथ नहीं आया है इज इट राइट तो उसके लिए मुझे प्रॉक्सी फॉर्म का बीटा निकालना होगा प्रॉक्सी फॉर्म का उन्होंने स्प्लिट एसी और विंडो एसी अलग अलग नहीं दिया है लेकिन प्रॉक्सी पूरे प्रॉक्सी फॉर्म का स्टैंडर्ड डिशन और कोरिलेशन दिया है तो हम पूरे प्रॉक्सी का बीटा निकाल सकते हैं प्रॉक्सी फर्म का बीटा और प्रॉक्सी फॉर्म दो तत्वों से बना है एक स्प्लिट एसी और एक विंडो एसी दोनों का वेट आधा आधा है तो ये जो प्रॉक्सी फर्म है उसके विंडो का बीटा हम कहा से लेंगे एबीसी से एबीसी के विंडो एसी का बीटा यूज करेंगे तो प्रॉक्सी फर्म का स्प्लिट एसी का बीटा आएगा और प्रॉक्सी फर्म के स्प्लिट एसी का बीटा हम यहां यूज करेंगे तो एबीसी का बीटा आ जाएगा तो यहाँ पर दोनों फर्म एक दूसरे के लिए प्रॉक्सी का काम कर रही है देख रहे हैं जो प्रॉक्सी फर्म है कंपनी, उसका स्प्लिट एसी का बीटा, -बी बीटा यूज करना पड़ेगा उसे यूज करके स्प्लिट एसी का बीटा आएगा हम एबीसी के लिए यूज कर लेंगे तो एबीसी का ओवरऑल बीटा आ जाएगा ओवरऑल बीटा आने के पश्चात हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं ओवरऑल बीटा आने के पश्चात हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं अभी तक क्वेश्चन पढ़ के हमें कहीं पे भी डेट नहीं दिखा है इज इट राइट अब उन्होंने कहानी में एक ट्विस्ट किया है तो पहले तो ये आंसर निकालने में आपकी हालत खराब हो जाएगी अगर आप पहली बार कर रहे हैं एग्जाम में तो ठीक है इसलिए एग्जाम में जाने के पहले इसको जरूर करके जाना उसके बाद क्वेश्चन में अचानक चेंज लाया इन्होंने अज्यूम दैट एबीसी बी वॉन्ट्स टू रेज डेट उंट इक्वल टू हाफ इट्स मार्केट वैल्यू अब क्या करना चाहते हैं है. अब याद रखना ओवरऑल बीटा तो चेंज नहीं होगा तो जो बीटा आपने यहाँ कैलकुलेट किया था वो भी डेट इक्विटी रेशो चेंज होने के पश्चात वही बीटा हम यूज करेंगे

आपको इनडायरेक्टली पहले डेट का बीटा भी निकालना होगा क्योंकि तो इस कंपनी का जो है वो पांच परसेंट रिटर्न चार परसेंट है तो कहीं ना कहीं इस कंपनी का डेट का कुछ बीटा है इसीलिए इसका रिटर्न चार से थोड़ा ज्यादा आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे एक सी का इक्वेशन यूज करके डेट बीटा भी निकाल लेंगे इज इट राइट और डेट बीटा आने के बाद हम एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिससे इक्विटी बीटा हो जाएगा राइट right? तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया बीटा ऑफ एबीसी निकालना है आपको उसके लिए आपको बीटा ऑफ ऑल द थ्री डिवीजन और उनका वेट्स चाहिए आपको तीन डिवीजन का वेट्स दिया है और दो डिवीजन का बीटा दिया है तीसरे डिवीजन का बीटा निकालने के लिए प्रोक्सीफर्म का पहले बीटा निकालेंगे और प्रॉक्सी फॉर्म के बीटा में वापस हम विंडो एसी का बीटा इस्तेमाल करके स्प्लिट एसी का बीटा निकालेंगे उस स्प्लिट एसी के बीटा को वापस मेन कंपनी में, में लेकर आएंगे और उसका हम बीटा निकाल सकते हैं राइट right? तो आंसर प्रेजेंट कैसे करना है देखिए पहले लिखना स्टेप वन कैलकुलेशन ऑफ बीटा कैलकुलेशन ऑफ बीटा तो हमारे पास तीन आइटम के डिटेल्स दिए हुए हैं स्टैंड अलोन कार एसी का डिटेल दिया हुआ है स्टैंड अलोन विंडो एसी का डिटेल दिया हुआ है और एक कंपनी जिसका स्प्लिट एसी एंड विंडो एसी का कारोबार है उसका डिटेल दिया हुआ है तो स्प्लिट एसी एंड विंडो एसी टुगेदर मतलब इसमें दोनों छुपे हुए हैं तो ये पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लो उसके बाद सॉल्व किया जाए तो फॉर्मूला लिखना यहाँ पे बीटा का आर इंटू सिग्मा पी अपॉन सिग्मा एम आर यानी कोरिलेशन सिग्मा पी यानी प्रोजेक्ट सिग्मा एम यानी मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन क्वेश्चन बुक सामने रखना समझ में आ जाएगा पहला जो कार एसी है उसका कोरिलेशन है पॉइंट सिक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन उसके सामने लिखा हुआ पॉइंट थ्री डिवाइड बाई

प्रॉक्सी कंपनी का स्प्लिट एसी एंड विंडो एसी प्रॉक्सी कंपनी का बिजनेस स्प्लिट एसी एंड विंडो एसी है पूरी कंपनी का कोरिलेशन दिया हुआ है पॉइंट एटी पूरी कंपनी का स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन दिया हुआ है पॉइंट फिफ्टी डिवाइड बाय मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन टू पॉइंट वन टू फाइव तो ये जो कंपनी है प्रॉक्सी कंपनी उसका बीटा है 2.125 अब ये दो आइटम्स का वेटेड एवरेज है विंडो एसी और स्प्लिट एसी विंडो एसी को उसके बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे स्प्लिट एसी को उसके बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 2.125 आ रहा है ये इसका वेट ये उसका वेट इनटू बीटा अब इस क्वेश्चन में हमें दोनों का वेट पता है विंडो का आपको बीटा भी पता है स्प्लिट ए का बीटा नहीं पता है जो हम इक्वेशन सॉल्व करके प्राप्त कर लेंगे तो पहले स्प्लिट ए का बीटा निकालना बहुत जरूरी हो गया ठीक है एक बार वो हमारे हाथ आ गया फिर ये आंसर ऑलमोस्ट डन है स्टेप टू कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ स्प्लिट ए डिवीजन डिविजन कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ स्प्लिट एसी डिवीजन ब्रैकेट बी एस बीटा ऑफ स्प्लिट एसी डिवीजन तो उसको मैंने नाम दिया बी एस एक नोट लिखूंगा ताकि जब आप बाद में रिवाइज करें तो आपको थोड़ा इजी रहे कि हम क्या करने जा रहे हैं एक कंपनी है प्रॉक्सी प्रोक्सीफॉर्म जो स्प्लिट एसी और विंडो एसी का, का काम करती है उस पूरी कंपनी का बीटा हमें पता है अब हमें उस कंपनी का विंडो एसी और स्प्लिट एसी का बीटा निकालना है विंडो एसी का बीटा ऑलरेडी एबीसी का हमें पता है तो सेम इंडस्ट्री में हम अज्यूम करेंगे सेम बिजनेस का बीटा सेम रहता है इट इज गिवन दैट इट इज इज गिवन दैट अ कंपेरेबल फॉर्म डिराइव हाफ ऑफ इट्स वैल्यू फ्रॉम कंपेरेबल फॉर्म डिराइव हाफ ऑफ इट्स वैल्यू फ्रॉम स्प्लिट एसी split AC and half from window AC and half from window AC. It means it means weight of split AC and window AC is 50 percent each. Weight of split AC and window AC is 50 percent each. नेक्स्ट लाइन वी कैन गेट द बीटा ऑफ वी कैन गेट द बीटा ऑफ स्प्लिट ए सी वी कैन गेट द बीट ऑफ स्प्लिट ए सी बाई सॉल्विंग द फॉलिंग इक्वेशन वी कैन गेट द बीट ऑफ स्प्लिट ए सी बाई सॉल्विंग द फॉलिंग इक्वेशन ओवरऑल बीटा इस कंपनी में दो बिजनेस हैं दोनों बिजनेस का ओवरऑल बीटा हमने निकाल लिया है दोनों कम दोनों बिजनेस का ओवरऑल बीटा आपने निकाला था ना अभी 2.125। पॉइंट वन टू फाइव इज द वेटेड एवरेज बीटा ऑफ डब्ल्यू एस बीएस, बी एस वेट ऑफ स्प्लिट ए सी बीटा ऑफ स्प्लिट ए सी प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू वेट ऑफ विंडो ए सी बीटा ऑफ विंडो ए सी इस इक्वेशन में बी एस मिसिंग है तो आप जरा इक्वेशन सॉल्व करके मुझे ये बीटा ऑफ स्प्लिट एसी कैलकुलेट करके बताएंगे ठीक है ट्राई करो तो सॉल्व करने के बाद क्या पाया आपने कि बीटा ऑफ स्प्लिट एसी इज 3.025 अब ये बीटा कहाँ यूज करोगे एबीसी कंपनी में अब एबीसी कंपनी के तीन बिजनेस हैं हमारे पास तीनों का वेट है अब तीनों बिजनेस का आपके पास बीटा आ गया तो क्या हम एबीसी कंपनी का बीटा निकाल सकते हैं पूरी कंपनी का यस कैसे वेटेड एवरेज बीटा प्रोजेक्ट बीटा का वेटेड एवरेज तीन प्रोजेक्ट हैं, तीनों का वेटेड एवरेज ले लेंगे तो हमारा आंसर आ गया इज इट राइट लिखो स्टेप नंबर थ्री कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल बीटा ऑफ एबीसी लिमिटेड ये हमारा पहला क्वेश्चन था ये सही कर लोगे तो दो या तीन मार्क मिल जाएंगे चार मार्क्स तक भी मिल सकते हैं सिर्फ इतना भी एक क्वेश्चन पांच मार्क के लिए आ सकता है कैलकुलेट ओवरऑल बीटा ऑफ एबीसी तो लिखना ओवरऑल बीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू सी इंटू बी सी प्लस डब्ल्यू एस इंटू बी एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू इंटू बी डब्ल्यू तो अब क्वेश्चन को सामने रखो क्वेश्चन के पहले पैराग्राफ में वेट्स दिया हुआ है जहां से क्वेश्चन चालू होता है पॉइंट सिक्सटी दिख रहा है और इसका बीटा आपने निकाला फर्स्ट स्टेप में पॉइंट नाइन प्लस ये स्प्लिट एसी का वेट है पॉइंट फिफ्टीन उसका बीटा अभी अभी आपने थर्ड स्टेप में निकाला थ्री पॉइंट ज़ीरो टू फाइव और ये है विंडो एसी का वेट और उसका बीटा आपने निकाला था पहले वन पॉइंट टू टू फाइव तो मैं आपको पांच सेकंड टाइम दूंगा पहले इसको 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 निकाल लो और ऐड कर दो तो आंसर लगभग आ रहा है 1.3 आंसर लगभग आ रहा है 1.3 एक बार आपके पास बीटा आ गया तो आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं एट प्रेजेंट जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें डेट नहीं है तो जो आपका ओवरऑल बीटा है वही आपका इक्विटी बीटा भी होगा और अगर इक्विटी बीटा पता है तो आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं राइट right? लिखो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एबीसी लिमिटेड कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर्मूला है आर एफ प्लस बी ओ ओवरऑल बीटा यहाँ पे ऊपर आप ब्रैकेट में लिख दो बी ओ या बीई इंटू आर एम माइनस आर एफ रिस्क फ्री रिटर्न चार है ओवरऑल बीटा या इक्विटी बीटा ओरिजिनल क्वेश्चन में 1.3 है आर एम टेन है आपकी बुक में जो 105 लिखा हुआ है वो एक्चुअली 10 परसेंट है फाइव जो है वो परसेंटेज का साइन होना चाहिए और ब्रैकेट में माइनस फोर सॉल्व करना तो ये आपका आंसर आ गया इलेवन पॉइंट एटी परसेंट राइट ये जो आपका आंसर है कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहां तक समाप्त हुआ अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले दो लाइनें आखिरी के फिर से पढ़ते हैं दोबारा दट एबीसी लिमिटेड wants टू रेज डेट ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मार्केट वैल्यू तो अभी क्या करना चाहते हैं डेट और इक्विटी से रेस करना चाहते तो अब ये फॉर्म हो जाएगी लिवर्ड फॉर्म इज इट राइट और इस पूरे फर्म का ओवरऑल बीटा वही रहेगा ओवरऑल बीटा चेंज नहीं होगा लेकिन डेट और इक्विटी का बीटा चेंज होगा क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ यील्ड ऑफ डेट इज फाइव परसेंट यानी कि रिटर्न ऑन डेट रिटर्न ऑन डेट फाइव परसेंट दिया है लेकिन आप देखेंगे तो रिस्क फ्री रेट फोर परसेंट है मतलब इस क्वेश्चन में डेट का कुछ ना कुछ बीटा है तो पहले हम डेट का बीटा निकालेंगे ओवरऑल बीटा हमें पता है उसके बाद एक इक्वेशन सॉल्व करके इक्विटी बीटा निकाल लेंगे इज इट राइट तो ये पहला क्वेश्चन है जहां पे हमें डेट का बीटा निकालना पड़ रहा है क्योंकि डेटा आपको दिया हुआ है कि इफ द ऑफ़ डेट दाइव परसेंट मतलब द रिटर्न ऑन डेट इज़ परसेंट तो रिटर्न फाइव परसेंट कैसे आया जरा देखते हैं तो अगला हेडिंग होगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ डेट बीटा स्टेप नंबर इसको फोर या फाइव दे दो जो भी है कैलकुलेशन ऑफ डेट बीटा क्वेश्चन में दिया हुआ ऑफ डेट पांच परसेंट है और वो कैसे आया होगा आर एफ प्लस बीटा ऑफ डेट इनटू आर एम माइनस आर एफ आर एफ प्लस डेट बीटा इनटू आर एम माइनस आर एफ फाइव इज इक्वल टू फोर प्लस बीटा ऑफ डेट इंटू टेन माइनस फोर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि बीटा ऑफ डेट 0.167 है बीटा ऑफ डेट 0.167 है राइट तो वो एक हिडन एडजस्टमेंट था कि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बीटा ऑफ डेट भी छुपा हुआ है क्योंकि यील्ड ऑन डेट अगर पांच है और रिस्क फ्री रिटर्न चार है तो बीटा ऑफ डेट कुछ तो होगा तब जाकर ये 5 आया 4 की जगह 5 यानी डेट में कुछ रिस्क है इसलिए इस पे 5% कंपनी रिटर्न ऑफर कर रही जबकि रिस्क फ्री रिटर्न चार है तो बीटा ऑफ डेट आ गया अब हम एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे जो हमने कई बार किया है हमें जब बीटा ऑफ डेट और ओवरऑल बीटा पता हो तो बीटा ऑफ इक्विटी इक्वेशन से आएगा राइट रिवाइज बीटा ऑफ इक्विटी ऑफ एबीसी लिमिटेड रिवाइज बीटा ओरिजिनल बीटा कुछ अलग था 1.3 था लेकिन अभी वो चेंज होगा क्योंकि फर्म ने अभी डेट यूज करना स्टार्ट कर दिया है तो वापस हम एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे ओवरऑल बीटा इक्वल टू बीटा ऑफ डेट इनटू वेट ऑफ डेट प्लस बीटा ऑफ इक्विटी इनटू वेट ऑफ इक्विटी ओवरऑल बीटा विल नॉट चेंज तो इसलिए ओवरऑल बीटा 1.3 रहेगा आपकी बुक में एक पैराग्राफ में लिखा हुआ था इफ द फर्म चेंजेस कैपिटल स्ट्रक्चर

आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तो इस केस में हमारा आंसर आएगा बीटा ऑफ इक्विटी इक्वेशन सॉल्व करना टू पॉइंट फोर डबल थ्री टू पॉइंट फोर डबल थ्री सिर्फ मैं एक मेमोरी के लिए एक नोट लिखवा देता हूं नोट the overall beta the overall beta of 1.30 the overall beta of 1.30 will not change even if the firm changes even if the firm changes its capital structure even if the firm changes its capital स्ट्रक्चर इवन इफ द फर्म चेंजेस इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसमें काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स आए आपके लिए तो अभी के कुछ जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और इसके पहले भी किए थे तो इन सब क्वेश्चंस में आपने सीखा है हाउ टू फाइंड इक्विटी बीटा डेट बीटा ओवरऑल बीटा प्रोक्सी बीटा अनलिड बीटा लीवर्ड बीटा टैक्स हो तब कैसे करना है टैक्स नहीं हो तो कैसे करना है तो ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना तो मुझे उम्मीद है कि अब आप एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आया तो ये कॉन्सेप्ट्स यूज करके आप सॉल्व कर पाएंगे राइट right? कॉन्सेप्ट सारे हो गए हैं और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन भी हमने लिया जिससे एक कॉन्सेप्ट जो है वो मजबूत हो जाएगा अब हम कुछ पोर्टफोलियो थियोरी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के लिए दिमाग को आराम मिलेगा क्योंकि अभी लिखने का काम कम है कम टू पोर्टफोलियो थियोरी पेज नंबर 4.42, पेज नंबर 42 ऑफ दिस चैप्टर पेज 42 पैरा 59। पैरा फिफ्टी नाइन सिक्सटी और उसके आगे ठीक है तो पोर्टफोलियो थ्योरीज़ क्या कहती है पोर्टफोलियो थियरीज का कहना है बाई वेन शुड वी सेल सो एज टू मैक्सिमाइज द रिटर्न ओके तो कौन कौन सी पोर्टफोलियो थ्योरी अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाउ जो थियोरी रैंडम वॉक थियोरी फॉर्मूला प्लान एंड मॉडर्न अप्रोच नीचे सब लिखा हुआ है आपको लिखने की जरूरत नहीं है पैराग्राफ सिक्स डाउन जो पैरा सिक्सटी वन रैंडम वर्क पैराग्राफ सिक्स टू फॉर्मूला प्लान और पैरा सिक्सटी थ्री मॉडर्न अप्रोच तो डाउजोन्स थियोरी का नाम किसके नाम के वजह से पढ़ा है चार्ल्स एच डाउ श्री चार्ल्स एच डाउ कौन है इन्होने ये थियोरी दी है ये व्यक्ति कौन थे सो ही वॉज फल न्यूज पेपर एडिटर इन यूएसए एंड ऑब्जर्व दू एस ए फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम तो ये एक एडिटर थे जिन्होंने कई वर्षों तक कई दशकों तक यूएस के स्टॉक मार्केट को ऑब्जर्व किया है ठीक है और इनका मानना है इनका मानना है श्री चार्ल्स डाउ का मानना है कि हम स्टॉक के पास्ट बिहेवियर को देखकर फ्यूचर का बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं इफ़ द पास्ट डेटा इज केयरफुली स्टडीड एंड एनालाइज्ड, यू कैन प्रिडिक्ट अबाउट फ्यूचर दिस इज द थियरी दैट इफ यू स्टडी द पास्ट डेटा केयरफुली ओके एनालाइज़ इट वेरी केयरफुली देन यू विल बी एबल टू मेक प्रडिक्शन अबाउट फ्यूचर प्राइस एंड देर फोर यू कैन डिसाइड

स्टॉक मार्केट मूवमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स एक है प्राइमरी मूवमेंट दूसरा सेकेंडरी मूवमेंट और तीसरा डेली मूवमेंट व्हाट इज प्राइमरी मूवमेंट प्राइमरी मूवमेंट मतलब लॉन्ग टर्म मूवमेंट जो ट्रेंड आप लॉन्ग टर्म में ऑब्जर्व करते हो लॉन्ग टर्म का मतलब फ्यू ईयर्स ओके नॉट वन डे टू डे और वन वीक और वन मंथ बट इट इज अ ट्रेंड ऑब्जर्व ओवर अ लॉन्ग पीरियड रनिंग इन वन टू थ्री ईयर्स और इवन मोर तो अगर आपको स्टॉक का ट्रेंड समझना है तो आपको उसके लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखना है कई सालों का ट्रेंड देखना है तब आपको समझ में आएगा कि ये शेयर प्राइस राइजिंग ट्रेंड दिखा रहा है या फॉलिंग ट्रेंड दिखा रहा है ओके अगर लॉन्ग टर्म में ट्रेंड जो है राइजिंग ट्रेंड है तो हम कहेंगे अबुलज प्रवेलिंग इन द मार्केट और अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड, ट्रेंड फॉलिंग ट्रेंड दिखा रहा है तो हम कहेंगे बियर फेज इज इन द मार्केट ये है बुल फेज ये है बियर फेज बुल फेज कैसे पता चलेगा कि आप ट्रेंड देखोगे तो क्या ट्रेंड राइजिंग है या फॉलिंग है तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्रेंड है राइजिंग फिर फॉलिंग राइजिंग फॉलिंग राइजिंग फॉलिंग बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये राइजिंग ट्रेंड दिखेगा अब उस लाइन को मैं हटा देता हूं ओके एक और तरीका इसको जरा देखने का पीक्स को देखो मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा फिर ऊपर कभी भी मार्केट एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा ऊपर नीचे थोड़ा होता रहेगा लेकिन जो सक्सेसिव पीक है जो दूसरा पी टू है वो पी वन से हाइयर होगा P3 है वो P2 से हायर होता है और इस तरह आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में ये जो पीक्स हैं, वो पिछले ज्यादा है पिछले पीक से ज्यादा है इसको बोलते हैं ट्रफ्स T-R-O-U-G-S, जो लोअर पॉइंट है शेयर गिरेगा अगली बार बढ़ेगा फिर गिरेगा लेकिन जो T2 है T1 से ज्यादा है T3 T2 से ज्यादा है अगर ये ट्रेंड दिखने मिले कि सक्सेसिव पीक्स आर हायर देन द प्रीवियस पीक्स इन द लॉन्ग रन तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज राइजिंग ट्रेंड इसको हम बोलेंगे बुल फेज बुल ओके स्टॉक मार्केट में दो वर्ड काफी यूज होते हैं बुल एंड बियर बुल का मतलब राइजिंग प्राइस बियर फेज का मतलब फॉलिंग प्राइस ओके जब बुल मारेगा किसी को तो आदमी ऊपर जाएगा और जब बियर मारेगा तो नीचे गिरेगा ठीक है इसलिए बुल और बियर बाकी और मुझे नहीं पता कि बेयर क्यों बोलते हैं तो अब ये फॉलिंग ट्रेंड देखना फॉलिंग ट्रेंड में भी आप देखोगे तो शेयर प्राइस कभी बढ़ता है घटता है बढ़ता है घटता है बढ़ता है घटता है तो आप बोलेंगे कहां फॉलिंग ट्रेंड कहां है तो बढ़ भी तो रहा है बढ़ भी तो रहा है बढ़ भी तो रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखो क्या हो रहा है कि अगर मैं एक लाइन ड्रा करूं तो फॉलिंग कर्व बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर बनेगा दूसरा तरीका इनके पीक्स को ऑब्जर्व करो पी टू इज लेस देन पी वन पी थ्री थ्री अगर आपको ऐसा ट्रेंड लॉन्ग टर्म में दिखे तो आप समझ जाना बियर फेस प्रिवेल कर रहा है फॉलिंग ट्रेंड प्रिवेल कर रहा है लेकिन ये लॉन्ग टर्म में देखना है कई सालों का ऑब्जर्वेशन के बाद आपको ये ट्रेंड दिखेगा तो ये तो हो गया ट्रेंड पहचानना ट्रेंड पहचानेंगे तो ये हमारी गाड़ी अब आगे बढ़ेगी कि हमें करना क्या है। डाउजो ने कहा है कि ओनली लुक एट प्राइमरी मूवमेंट डू नॉट लुक एट सेकेंडरी मूवमेंट सेकेंडरी मूवमेंट को देखना ही नहीं है डेली मूवमेंट को देखना ही नहीं है ठीक है अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए सिर्फ प्राइमरी मूवमेंट इंपॉर्टेंस रखता है अब हम आते हैं सेकेंडरी मूवमेंट की ओर सेकेंडरी मूवमेंट्स आर द ट्रेंड ऑब्जर्व इन शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑब्जर्व इन शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म का मतलब यहाँ पे थ्री वीक्स टू थ्री मंथ्स, थ्री वीक्स टू थ्री मंथ्स का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अपोजिट हो क्योंकि शॉर्ट टर्म में कई बार कुछ मार्केट में न्यूज आ गई कुछ गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कहीं पे वॉर हो गया तो उसकी वजह से शेयर प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है ज नॉट रिफ्लेक्ट द लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसलिए श्री चार्ल्स डाउ का कहना है इग्नोर द सेकेंडरी मूवमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग देखो दूर से नमस्ते करो लेकिन उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना है हम यहाँ पे स्पेकुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं सट्टेबाजों की बात नहीं कर रहे हैं डेली ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहे हैं इनके लिए तो सट्टा खेलने जैसा है टॉस करने जैसा है क्वन को, को ओके जो डेली मूवमेंट पे बेस, के बेसिस पे जो पैसा लगाते हैं वो एक तरह से सिंपल गैम्बलिंग है सिक्का उछाला टॉस किया हेड आया पैसा आपका नहीं तो नुकसान ऐसा होता है डेली मूवमेंट क्या होता है अगर आप टीवी देखते हैं मान लो देखते हैं उसमें भी अगर आप कोई फाइनेंशियल न्यूज चैनल देखते हैं चांसेस कम है तो देखना आपको रोज वो सुबह नौ बजे से साढ़े तीन तक ऐसा एक चार्ट दिखाते रहेंगे आपको कि आज सुबह मार्केट इतने पे खुला उसके बाद ग्यारह बजे ये था एक बजे ये प्राइस था फिर वापस तीन बजे तो आप ट्रेंड देखोगे तो कितना दिन भर में ये फ्लक्चुएट होता है ओके सो डेली ट्रेंड शोज डेली फ्लक्चुएशन इन द स्टॉक मार्केट पूरे दिन भर में मार्केट ऊपर नीचे क्या हुआ इसका कोई डेफिनेट ट्रेंड नहीं है जैसी एक बजे न्यूज आया किसी कंपनी का न्यूज आया अचानक उसकी प्राइस या तो बहुत घट जाएगी या बढ़ जाएगी ओके तो एक दिन का इतना फ्लक्चुएशन होता है इट इज मेनली ड्यू टू स्पेकुलेटिव रीजनस इट इज मेनली ड्यू टू स्पेकुलेटिव लोग सट्टा कर रहे हैं सिर्फ ओके एक दो दिनों के बेसिस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते तो चार्ल्स दाउ ने कहा है डू नॉट टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ डेली मूवमेंट राइट अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ चार्ल्स दाउ थियोरी की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है हाउ टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन हर एक इन्वेस्टर जानता है आप भी जानते हैं बाई एट अ लो प्राइस सबसे सस्ता खरीदो सेल एट अ हाई प्राइस लोअर प्राइस पे बाई करना है हायर प्राइस पे सेल करना है तो इसका कहना है कि हम कैसे पता चलेंगे कि अभी मार्केट एकदम लो पे चला गया या मार्केट एकदम हाई पे चला गया तो उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते रहो और जब लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखे तो समझ जाना या तो शेयर प्राइस लोएस्ट पे पहुंच गया है या शेयर प्राइस हाईएस्ट पे पहुंच गया जैसे एक उन्होंने एक डायग्राम दिया है जिसमें कई सालों का शेयर का ट्रेंड दिया है पहले शेयर का प्राइस जो था वो घट रहा था उसके बाद उन्होंने बढ़ना चालू किया उसके बाद एकदम पीक पे गया पी सेवन तक और फिर धीरे धीरे, धीरे घटना चालू हुआ है अब आप मुझे पाँच सेकंड सोच के बताओ कि अगर मुझे बाई करना है तो किस पॉइंट पे करेंगे और सेल करना है तो किस पॉइंट पे करेंगे राइट तो बाई करेंगे टी वन पे क्यों इनका कहना है कि अगर फॉलिंग ट्रेंड से राइजिंग ट्रेंड में चेंज हो जाता है अपना ट्रेंड तो वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको बाय करना चाहिए आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड चेंज हो रहा है हाउ डिड द ट्रेंड चेंज अगर सक्सेसिव पीक इज हायर देन प्रीवियस पीक पहले कम हो रहा था बाद में जब वो टर्न हुआ अब आपने पाया कि पीक जो है वो प्रीवियस पीक से हाइयर है मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज हो गया है तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज हो गया है तो अब जो फॉलिंग ट्रेंड था अब वो राइजिंग ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है तो ये समय है बाई करने का तो यहाँ पर पर करेंगे। उसके बाद लगातार बढ़ बढ़ रहा 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 है, है, है। देखना, rising trend से अब वो falling trend में हो कैसे पता चलेगा कि आपका राइजिंग ट्रेंड फॉलिंग ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है सक्सेसिव पीक आर लोअर देन द प्रीवियस पीक और सक्सेसिव ट्रफ्स आर लोअर देन द प्रीवियस टर्फ तो फिर वो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ शेयर प्राइस अपने हाईएस्ट पे पहुंच गया है अब वो गिरने वाला है तो यहाँ पर आपको सेल करना है ठीक है तो आपकी बुक में ये जरा मार्क कर लो बाई एट द लोएस्ट पॉइंट व्हेन द ट्रेंड चेंजेस फ्रॉम अ फॉलिंग ट्रेंड टू अ राइजिंग ट्रेंड सेल एट द हाइस्ट पॉइंट वेयर द ट्रेंड चेंजेस फ्रॉम अ राइजिंग ट्रेंड टू अ फॉलिंग ट्रेंड तो दिस इज डाउ जोस थियरी बट इस थ्योरी का लिमिटेशन क्या आप खुद ही समझ सकते हैं अगर हमें पूरी पिक्चर दिखाई जाए तो हम बता सकते हैं कि कौन सा लोएस्ट पॉइंट है कौन सा हाइस्ट पॉइंट है लेकिन रियल टाइम बेसिस पे अब मैं यहाँ पर ही अगर खड़ा हूँ तो मुझे थोड़ी पता है कि टी टू क्या होने वाला है तो रियल टाइम बेसिस पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द चेंज इन ट्रेंड तो डी मेरिट क्या है

तो ये था डाउ डाउजूंस थियोरी एक चार पांच मार्क का थे क्वेश्चन अगर आया तो आया ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है एक बार जल्दी से पढ़ लेना एग्जाम के में जाने के पहले एक अपने से नोट्स बना लेना कितना लिख सकें कि चार पांच मार्क मिल सके ओके आपको तीनों टाइप के जो मूवमेंट्स है वो लिखना है कब बाई करना है कब सेल करना है वो लिखना है और हो सके तो डायग्राम ड्रॉ करना एक लाइन क्रिटिसिज्म लिख देना कि रियल टाइम बेसिस पे चेंज इन ट्रेंड आइडेंटिफाई करना मुश्किल है अब सेकेंड थियोरी है रेंडम वॉक थियोरी रेंडम वॉक थ्योरी जो है ये पहले डाउजोन्स थियोरी का क्रिटिसाइज करेगी यानी ये थियोरी जो है सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि डाउजोन्स को क्रिटिसाइज कर सके इनका मानना है कि स्टॉक एक्सचेंज पास्ट बिहेवियर पास्ट ट्रेंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग प्रडिक्शन अबाउट फ्यूचर ट्रेंड पास्ट के बिहेवियर को देख के फ्यूचर का प्रिडिक्शन करना नामुमकिन है ओके डाउ डाउजोन्स है अगर आपने कहता है अगर आप पास्ट ट्रेंड को केयरफुली एनालाइज करेंगे तो आप फ्यूचर का ट्रेंड प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये थ्योरी कहता नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ठीक है क्यों ये बिल्कुल अपोजिट क्यों सोचता इनका कहना है कि ट्रेंड इन द स्टॉक मार्केट ट्रेंड जो आप देखते हैं वो सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल अप एंड डाउन है स्टैटिस्टिकल इवेंट है ओके okay, अगर कल और आज का मैं प्राइस को देखूं, या तो बढ़ता हुआ दिखेगा या घटता हुआ दिखेगा लेकिन आज के प्राइस को देखकर कल प्राइस क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है स्टैटिस्टिकल अप्स एंड डाउन को देखकर आप फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ओके okay, अब एक और देखिए इनका कहना है कि बिहेवियर ऑफ स्टॉक मार्केट इज ऑलमोस्ट अनबल सही है ना स्टॉक मार्केट का कोई प्रडिक्शन नहीं कर सकता खासकर ट्रेंड देखकर तो बिल्कुल भी नहीं बिकॉज एवरी डे इज एन इंडिपेंडेंट डे इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस डे ओके पास्ट ट्रेंड का फ्यूचर के प्राइस से कोई लेना देना नहीं है ओके दीज आर जस्ट स्टेटिस्टिकल तो इन शॉर्ट डो नॉट लुक एट दी पास ट्रेंड दैट विल नॉट हेल्प यू टू मेक प्रडिक्शन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस पास ट्रेंड्स आर ओनली स्टेटिस्टिकल है इवेंट अब इन्होंने इस थियोरी को और क्रिटिसाइज किया है इनका कहना है कि जो स्टॉक मार्केट का जो बिहेवियर होता है वो एक ड्रंकन पर्सन की तरह होता है ड्रंकन पर्सन मतलब जो आदमी बहुत शराब पी चुका है शराब के नशे में धुत है ठीक है इसको खुद ही नहीं पता कि ये कहाँ खड़ा है इसको एक रोड पे छोड़ दो और बोलो कि अब तुम सीधा चलो उसके बाद उसको थोड़ी देर ऑब्जर्व करो ठीक है आपने उसको बोला तुम सीधा चल के दिखाओ आधा घंटा तक उसको ऑब्जर्व करो क्या देखेंगे आप? आप देखेंगे कि ये व्यक्ति कभी सीधा जाता है कभी लेफ्ट कभी राइट right, सीधा लेफ्ट राइट right, आगे पीछे आधा घंटा देखने के बाद आपने इसके हर एक स्टेप को ऑब्जर्व किया हर एक स्टेप को आपने स्टेटिस्टिकली एनालाइज किया लेकिन अब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यह व्यक्ति अब किधर जाएगा राइट right. स्टॉक मार्केट भी, भी बिल्कुल इसी व्यक्ति की तरह है ठीक है आप उसको जितना देर देखना है देखो जैसे एक शराबी के कदमों को हम पहचान नहीं सकते कि अब वो किस उसी तरह हम स्टॉक मार्केट को देखकर नहीं बता सकते कि अब ये कल किस तरफ मुड़ेगा ये रैंडम वॉक थियोरी देअ फोर स्टॉक एक्सचेंज इंडिपेंडेंट And they can't form a proper basis to take investment decision. तो उसने पूरी को में दफनाने के लिए और उसके ऊपर चार कील लगा देना Right? That is random walk theory. बहुत ज्यादा मैंने harshly कहा कोई बात नहीं तो random walk theory का कहना है कि past trend देखकर आप स्टॉक मार्केट का बिहेवियर नहीं बता सकते और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए उसको यूज नहीं कर सकते यू कांट मेक अब नॉर्मल प्रॉफिट बाय लुकिंग एट पास्ट ट्रेंड सिर्फ आप ही अकेले होशियार नहीं है आपके जैसे और कई होशियार मार्केट में बैठे हैं वो एनालाइज कर चुके हैं और प्राइस पे इफेक्ट आ चुका है अब आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा अब एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार राइट अ नोट ऑन रैंडम वर्क थियोरी एंड इट्स अजम्पन्स तो मैंने यहाँ पे कुछ एजम्पन्स लिखे हैं ऑलरेडी इनमें से काफ़ी सारे एजम्पन आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थीरीज में पहले भी पढ़ा है और इस चैप्टर में भी सी ए पी ए में भी कहीं ना कहीं पढ़ा है तो जल्दी से गो थ्रू करते हैं बहुत ज़्यादा इस पे एग्जाम में नींद नहीं गंवानी है पहला इनका एजम्पन है कि मार्केट इज सुप्रीम मार्केट से बड़ा कोई नहीं नो no इन्वेस्टर और ग्रुप कैन इट तो कोई सिंगल इन्वेस्टर या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते इनका क्यों कहना है कि मार्केट बिहेव्स रैंडमली ये कारण है कि स्टॉक प्राइसेस डिस स्टॉक प्राइसेस डिस्काउंट ऑल इंफॉर्मेशन क्विकली जो भी इंफॉर्मेशन है स्टॉक से रिलेटेड वो ऑलरेडी स्टॉक की प्राइस में उसका इंपैक्ट आ चुका है मार्केट्स आर एफिशिएंट मार्केट्स आर एफिशिएंट ओके मार्केट्स आर एफिशिएंट मतलब इन्वेस्टर्स आर रैशनल जिसको डाइवर्सिफाई करना था कर दिया है सभी के पास इंफॉर्मेशन है जो इंफॉर्मेशन एक इन्वेस्टर के पास है वो दूसरे के पास भी है एंड इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल सबके पास फ्रीली अवेलेबल है एंड अनबायस्ड ऑल इन्वेस्टर्स एक्सेस टू द सेम इंफॉर्मेशन एंड नोबडी है सुपीरियर नॉलेज और एक्सपर्टाइज किसी के पास सुपीरियर नॉलेज नहीं है इसलिए किसी को सुपर नॉर्मल गेन नहीं हो सकता सभी बराबर है मार्केट क्विकली एडजस्ट टू एनी डेविएशन फ्रॉम लेवल ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ ऑफ फ्री डिमांड एंड सप्लाई यानी कभी भी मार्केट इक्विलीबिर से दूर नहीं जाएगा जैसा हमने इतने दिनों में देखा प्राइस होता है अगर इक्वलिबीरियम प्राइस से वो दूर जाएगा तो इमीडिएटली क्या होगा आर्बिट्रेजर्स जो होंगे वो बाई सेल करना स्टार्ट कर देंगे अंडर वैल्यूड रहेगा तो बाई करना स्टार्ट करेंगे तुरंत वापस उसको इक्वली बिरे में पहुंचा देंगे ओवर वैल्यूड रहेगा तो उसको सेल करना चालू करेंगे और इतना सेल करेंगे कि उसको वापस तुरंत इक्विली बिरे में पहुंचा देंगे नोबडी हैज बेटर नॉलेज और इनसाइडर इंफॉर्मेशन किसी के पास इन साइडर इंफॉर्मेशन नहीं है वैसे यह जम्पन प्रैक्टिकली गलत है क्योंकि जो डायरेक्टर्स होते हैं आप जैसे आर्टिकल क्लर्क या ऑडिटर्स होते हैं उनको कंपनी का प्रॉफिट मार्केट में प्रॉफिट डिक्लेयर होने के पहले ही पता चल जाता है उनको पता चल जाता है पहले कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है इनको पता चल जाता है कंपनी कल बाईबैक अनाउंस करने वाली है और उसका मार्केट में इम्पैक्ट हो सकता है लेकिन ये थीरी एजुम्शन अज्यूम करता है किसी के पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं है लास्ट सातवा में देखा है इन्वेस्टर्स बिहेव इन मैनर इसका ऑब्जेक्टिव होगा हमेशा कंपेयर करो रिटर्न को मैक्सिमाइज करो रिस्क को मिनिमाइज करो ओके okay, दो स्टॉक का अगर रिटर्न इक्वल है तो लोअर रिस्क वाला स्टॉक लेगा रिस्क इक्वल है तो हायर रिटर्न वाला स्टॉक लेगा एट पॉइंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एनी मेजर फंड मैनेजर्स हैव टू फॉलो द मार्केट एंड कैनोट बी इन्फ्लुएंस्ड बाई देम यानी आप चाहे कितने भी बड़े इन्वेस्टर हो यू हैव टू ओबे द मार्केट यू के नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट आप इतने बड़े नहीं हो कि पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सको एंड देन द नेक्स्टम्शन इज लार्ज नंबर ऑफ बायर सेंसेलर यानी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जब मार्केट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो आपने इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा कि परफेक्ट मार्केट कंडीशन ऑफ कॉम्पिटिशन विल प्रिवेल सो नो बडी विल बी एबल टू मेक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नोबडी विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस द प्राइस सो ये इन थियोरी का अजम्पन्स है हम रेंडम वर्क थियोरी पे थोड़ी चर्चा एक और पॉइंट है आपके सिलेबस में बाद में एफिशिएंट मार्केट थियोरी वहाँ पे करेंगे ये था हमारा सेकेंड नंबर थियोरी थर्ड थियोरी है फॉर्मूला प्लान ये भी दो जगह डिस्कशन होगा एक अभी यहां पे और एक बाद में पोर्टफोलियो रिविजन थ्योरीज में ठीक है फॉर्मूला प्लान क्या होता है इट प्रोवाइड्स एन ऑटोमेटिक टाइमिंग डिवाइस फॉर द इन्वेस्टर टू डिसाइड व्हेन टू बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज अभी हमने क्या पढ़ा चार्ल्स डाउ थियोरी में बाई एट अ लो प्राइस एंड सेल एट अन्ने में सुनने में बोलने में अपना क्या जाता है इज इट राइट लेकिन प्रैक्टिकली अप्लाई करने में इसको बहुत दिक्कत है कि भाई ये लो कब होगा हाई कब होगा और इन्वेस्टर्स बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास टाइम नहीं रहता है कि वो कंटिन्यूसली अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करें जो फंड मैनेजर होंगे एकदम प्रोफेशनल फंड मैनेजर प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ऑफ कोर्स वो लोग डेली बेसिस पे अपने फंड को मॉनिटर करते हैं लेकिन अगर आप के पास उतना टाइम नहीं है आप ठहरे वीके वीके विराट कोहली ओके साल का सौ करोड़ रुपया कमाते हैं क्या आपके पास टाइम है कि आप इसको मॉनिटर करें डेली बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो को नहीं दिन भर तो क्रिकेट खेलते रहते हैं दिन भर मेनू भर ट्वेंटी ट्वेंटी टेस्ट मैच वन डे फिर कभी कभी टाइम मिला तो थोड़ा प्रमोशनल करते हैं एंडोर्समेंट करते हैं लेकिन फिर आपने सोचा कुछ तो करना होगा मुझे तो आपने डिसाइड किया कि महीने में एक बार सिर्फ मैं अपने फंड्स को देखूंगा ठीक है यानी आपको साल में सिर्फ क्या करना है हर महीने हर महीने की एक तारीख को अपने फंड्स को देखना है इस तरह से बारह बार हो सकता है अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं है तो आप क्वार्टरली कर लो कि चलो साल में हम चार बार अपने फंड्स को हम मॉनिटर करेंगे उतना भी टाइम नहीं है तो दो बार कर लो ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है ये थियोरी ये नहीं कहता कि आपको कितनी बार मॉनिटर करना है आप डिसाइड कर लो तो आपके पास एक लाख रुपए है पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं बाद में नोट्स पढ़ लेंगे फटाफट आपने डिसाइड किया कि हम फिफ्टी थाउजेंड डेट में इन्वेस्ट करेंगे और फिफ्टी थाउजेंड इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे यानी हम चाहते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो 50 परसेंट डेट 50 परसेंट इक्विटी 50 परसेंट थोड़ा मैं रिस्क लेना चाहता हूं और 50 परसेंट में सेफ खेलना चाहता हूं तो डेट इज अ सेफ इंस्ट्रूमेंट इक्विटी इज अ रिस्की इंस्ट्रूमेंट और हम हर दो महीने बाद हर दो महीने बाद अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे तो आफ्टर टू मंथ्स क्या हुआ आफ्टर टू मंथ्स आपने पाया डेट तो उतना ही है डेट की वैल्यू नहीं बढ़ी अज्यूम करते हैं डेट की वैल्यू नहीं बढ़ी नहीं चेंज हुई लेकिन इक्विटी का वैल्यू क्या हो गया इस दो महीने में इक्विटी की वैल्यू बढ़कर सत्तर हजार हो गई तो यानी दो महीने के बाद आपने पाया कि आपका पोर्टफोलियो एक लाख बीस हजार का हो गया है यानी बिफोर रिवीजन अभी हमने कुछ नहीं किया लेकिन हमने क्या डिसाइड कर रखा है हमने डिसाइड कर रखा है कि हम आ, इक्वल रेशियो मेंटेन करेंगे लेकिन इक्वल से गड़बड़ हो गया है तो अभी हम एक काम करेंगे इक्विटी को और डेट को इक्वल लाना हो तो क्या करेंगे आप एक लाख बीस हजार डिवाइड बाय टू कर देंगे दोनों साठ साठ हो गया मतलब यहां पर हमने एक एक्शन क्या लिया है सेल इक्विटी ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड एंड बाय डेट इन्वेस्ट इन डेट डीईबीटी बाय डेट रुपीज टेन थाउजेंड इसको इसमें से दस कम कर दिया इसमें दस जोड़ दिया फिर दो महीने के लिए भूल जाओ आफ्टर अनदर टू मंथ्स आफ्टर अनदर टू मंथस अब क्या हुआ देखना डेट की वैल्यू तो साठ हजार ही है सोच लो थोड़ी देर के डेट में कुछ चेंज नहीं हुआ इक्विटी की वैल्यू घटकर कर बीस हजार हो गई धड़ाम से इक्विटी शेयर गिर गया अब ये हो गया बीस आपका पोर्टफोलियो हो गया अस्सी हजार पोर्टफोलियो हो गया अस्सी हजार का अब आप क्या करेंगे वापस आपको बैलेंस करना है अस्सी तो हजार को आधा आधा कर देंगे दोनों में चालीस चालीस अब ये चालीस चालीस के है? मतलब यहां पर आपने कुछ एक्शन लिया होगा तो क्या एक्शन लिया होगा आपने सेल डेट रुपीस ट्वेंटी थाउजेंड एंड बाई इक्विटी रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड एंड बाय इक्विटी ट्वेंटी थाउजेंड लास्ट में लिखा है मैंने सेल डेट रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड डेट को बीस हजार बेच दो तो साठ से घटकर चालीस हो गया और वो जो बीस हजार रुपये आएगा वो इक्विटी में लगा दो तो बीस से बढ़कर चालीस हो गया अब ये स्टोरी फिलहाल यहाँ पर हम रोकते हैं और वेट वेट वेट, वेट। गौर से देखिए इस एग्जाम्पल को क्या देखा आपने अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने इक्विटी कब बेचा हमने इक्विटी कब बेचा जब प्राइस हाई था तो सेल एट हाई प्राइस हमने इक्विटी कब बाई किया जब प्राइस कम था तो हमारा जो फंडा होता है कि बाई एट लोअर लेवल एंड सेल एट हाइयर लेवल वही ऑटोमेटिकली अचीव होता है इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला प्लान जहां पर हम लो रेट पे बाई करेंगे ऑटोमेटिकली और हाई रेट पे सेल करेंगे तो जब भी मार्केट बढ़ जाएगा तो आप सेल करेंगे और जब मार्केट घट जाएगा तो आप बाई कर लेंगे इसलिए इन्होंने लिखा इट इज़ एन ऑटोमेटिक टाइमिंग डिवाइस फॉर द इन्वेस्टर टू डिसाइड वेन टू बाई एंड सेल द सिक्योरिटीज ओके तो यहां पर आपको क्या करना है पहले तो आप देख लो कि आपके पास स्टार्ट में फंड्स कितना है फिर रेशियो डिसाइड कर लो और फिर रिवीजन का टाइमिंग डिसाइड कर लो और उसके बाद जब भी वो रेशियो डिफरेंट होगा तो आप वापस थोड़ा इक्विटी सेल करेंगे डेट बाई करेंगे या फिर डेट सेल करेंगे इक्विटी बाई करेंगे दिस इज कॉल्ड फार्मूला प्लान अब हम नोट्स पढ़ेंगे जल्दी से एग्जैक्टली सेम बातें वहाँ लिखी हुई है दिस प्लान सर देयरफॉर फॉर सुटेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स बिग और स्मॉल तो एवरीबडी कैन फॉलो दिस फॉर्मूला प्लान प्रैक्टिकली भी कुछ म्यूचुअल फंड जो होते हैं आपने नाम सुना होगा बैलेंस्ड फंड बैलेंस फंड को क्या करना रहता है इक्विटी और डेट में एक रेशियो मेंटेन करके रहना पड़ता है तो वैसे फंड्स भी क्या करते हैं जब भी वो रेशियो बहुत डिस्टर्ब होता है तो या तो इक्विटी से डेट में शिफ्ट कर देते हैं पैसा या डेट से इक्विटी में शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे पहला स्टेप क्या होगा अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इज इन्वेस्टेडिटर उसके बाद प्रपोर्शन डिसाइड करेंगे बिटवीन फिक्स्ड यील्ड यरिंग सिक्योरिटी यानी डेट एंड वेरिएबल वेरिंग सिक्योरिटीज यानी इक्विटी। ऑफ फिक्स्ड बियरिंग सिक्योरिटीज आर बैंक डिपॉजिट, डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल यील्ड बेयरिंग सिक्योरिटीज आर इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ओके उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कब हमें अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है अकॉर्डिंग टू द टाइम अवेलेबिलिटी विद द इन्वेस्टर या तो तीन महीने बाद रिव्यू करेगा या छ महीने बाद या मंथली या वीकली जो भी है दस दिन भी आप डिसाइड कर सकते हो तो जो भी आपने रिव्यू वाला डेट डिसाइड किया है उस दिन जाकर आपको वापस अपने पोर्टफोलियो को चेक करना है कि जो रेशियो आपने डिसाइड किया था वो रेशियो अभी मेंटेन है या नहीं और अगर वो रेशियो मेंटेन्ड नहीं है तो आप रीशफल uh, करेंगे रीशफल करेंगे मतलब या तो इक्विटी बेचेंगे डेट खरीदेंगे या डेट बेचेंगे इक्विटी खरीदेंगे और वापस अपने पोर्टफोलियो को उसी रेशियो में लेकर आएंगे राइट right? तो यह है उसका थियोरी अब उसके ऊपर उन्होंने एक क्वेश्चन प्रेजेंट किया है जो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं फिर भी देख लेते हैं कंपनी हैज़ द फिक्स टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेबल फंड ऑफ वन लैख एक लाख से शुरुआत करेंगे और इन्होंने डिसाइड किया है कि फिक्स्ड एंड वेरिएबल लील्ड सिक्योरिटी में साठ और पचास साठ और चालीस परसेंट इन्वेस्ट करेंगे यानी डे वन में डेट में साठ हजार इन्वेस्ट करेंगे और इक्विटी में चालीस हजार इन्वेस्ट करेंगे इन्होंने अपना रिविजन पीरियड डिसाइड किया तीन महीने तीन महीने के बाद इन्होंने देखा कि डिबेंचर की वैल्यू है साठ हज़ार और इक्विटी की वैल्यू भी है साठ हजार है तो ये हो गया एक लाख बीस हजार लेकिन रेशियो गड़बड़ा गया है अब ये सिक्सटी फोर्टी की जगह फिफ्टी फिफ्टी हो गया है तो हम वापस क्या करेंगे यहाँ पर इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चन देगी कि वॉट एक्शन द इन्वेस्टर विल टेक आफ्टर थ्री मंथस तो इसको हम वन रहने देते हैं रेशियो सिक्सटी परसेंट कर देते हैं सेवेंटी टू थाउजेंड फोर्टी परसेंट कर देते हैं फोर्टी एट थाउजेंड तो यहाँ पर आपने लिखना एग्जाम में कि सेल इक्विटी बारह हजार एंड बाई डिबेंचर बारह हजार इतना आपको बस सिंपल कैलकुलेशन करना आना चाहिए कि अगर मार्केट बढ़ रहा है तो हम इक्विटी सेल करेंगे और डिबेंचर बाई करेंगे ओके तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है पोर्टफोलियो विल बी रिवाइज बैक टू डेट सेवेंटी टू थाउजेंड इक्विटी फोर्टी एट थाउजेंड और आपको बारह हजार का इक्विटी बेचना होगा और बारह हजार के डेट खरीदने होंगे ओके okay, अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल इसी के नीचे कि अगले तीन महीने के बाद क्या हुआ तो आपकी बुक से मैं एक्सप्लेन करता हूं कि आफ्टर थ्री मंथ्स डेट तो सत्तर हो गया और इक्विटी बीस हो गया मतलब टोटल नब्बे तो अब इंस्टीट्यूट पूछेगी एक्शन विल टेक इन द सेकेंड क्वार्टर तो मैं क्या करूंगा सिंपल गणित लगाऊंगा कि ये नब्बे है इसको साठ और चालीस के रेशियो में पोर्शन करना है तो सिक्सटी परसेंट फिफ्टी फोर थाउजेंड थर्टी थाउजेंड तो यहाँ पर आपको एग्जाम में लिखना होगा बाई इक्विटी ऑफ रुपीज सिक्सटीन थाउजेंड एंड सेल डेट ऑफ इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाद में अभी नहीं ठीक है ये एक एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन भी है जिसको हम चर्चा करेंगे लेकिन उसमें थोड़े कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होंगे इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं ये फिलहाल थियरी एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल डिजाइन किया गया है तो इसको हम बोलते हैं फार्मूला प्लान फार्मूला प्लान में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आप ऑटोमेटिकली लोअर रेट पे बाई करोगे और हाइयर रेट पे सेल करोगे और ये स्ट्रेटजी बहुत काम आती है जब मार्केट फ्लक्चुएटिंग हो जब मार्केट फ्लक्चुएटिंग हो यानी बढ़ता घटता बहुत है तो उस केस में थियोरी बहुत काम आती है क्योंकि आप लोअर पे बाई कर लेते हो और हाइयर पे सेल कर लेते हो राइट ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है आप एक बार स्वयं अध्ययन कर लेना तो आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे अब मैं नेक्स्ट थियोरी पे जाता हूँ जो काफ़ी बड़ी थियोरी है और उसके ऊपर काफ़ी चर्चा होगी कुछ डायग्राम्स भी बनाने पड़ेंगे वैसे आपकी बुक में बने हुए हैं डोंट वरी सब कुछ लिखा है जब मैं कुछ लिखने बोलूँ तब लिखना आप अगली जो थियोरी है जो हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं एक्चुअली इतने दिनों से जो हम पढ़ रहे थे वही थी मॉडर्न थियोरी पोर्टफोलियो थीरी गिवन बाई हैरी मार्कोविट्स हैरी मार्कोविट्स तो हैरी मार्कोविट्स इज अ नोबेल प्राइज विनर आल्सो, और इनकी थियरी को हम बोलते हैं मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी या फिर एच एम मॉडल एच एम मतलब हैरी मार्कोविट्स मॉडल राइट तो ये ऑलरेडी हमने काफी कर लिया है अब उसको एक जगह पे लेकर आते हैं पहले आपसे पूछेंगे व्हाट आर दी अजम्पन ऑफ हैरी मार्कोविट्स मॉडल और मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी अजम्पन नंबर वन इन्वेस्टर इज रिस्क एवर्स कई बार डिस्कस किया इन्वेस्टर इज रिस्क एवर्स मतलब ये रिस्क से दूर भागता है अननेसेसरी रिस्क नहीं लेता है रिस्क लेने से डरता है ठीक है अगर दो स्टॉक का रिटर्न इक्वल है तो जिसका रिस्क कम होगा वो उसको सिलेक्ट करेगा दो स्टॉक का अगर रिस्क इक्वल है तो जिसका रिटर्न हायर होगा ये उसको सिलेक्ट करेगा सेकेंड अजम्पशन ऑफ एचएम थ्योरी दैट डिसीजंस टू बाय और सेल इज प्योरली बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड रिस्क एंड रिटर्न ओके सो व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स क्या आपको इफेक्ट करता है कि आप बाय करो या सेल करो वो कौन सा बेसिस है डिसीजन लेने का कोई और बेसिस नहीं सिर्फ और सिर्फ रिस्क एंड रिटर्न ओके रिस्क एंड रिटर्न विल फॉर्म द द बेसिस फॉर टेकिंग डिसीजन रिलेटिंग टू सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी ओके और आपको यह भी मानकर चलना है कि इन्वेस्टर इतना होशियार है कि वो रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट कर सकता है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकता है वो स्टैंडर्ड स्टैंड निकाल सकता है वरायस निकाल सकता है कोवेरास निकाल सकता है पोर्टफोलियो रिस्क निकाल सकता है ओके पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल सकता है मतलब एकदम आपकी तरह होशियार इन्वेस्टर है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सिर्फ दो मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न एंड मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क ओके और जैसा कि डे वन में भी हमने बताया था इफ यू हैव two securities with same level of risk he will choose the option with higher return and if you have two securities with same level of return he will choose the option with lower risk right theory suppose there are x number of securities in which the investor can invest his fund okay थोड़ी देर के लिए मान लो कि मार्केट में एक्स नंबर ऑफ मतलब 10, 20, कोई एक नंबर, ठीक है तो अगर मान लो मार्केट में ट्वेंटी सिक्स सिक्योरिटीज है ए बी सी डी टू जेड तो आप कितने पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं हाउ मेनी पोर्टफोलियोज यू कैन क्रिएट अगर छब्बीस स्टॉक है मार्केट में ए से लेकर जेड नाम के तो कितने पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं सोचो जरा और बताओ आंसर है कि हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं कितने इनफाइनाइट इनफाइनाइट क्यों इनफाइनाइट जरा देखना जैसे हम ए और बी का एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं ए सी ए डी ए इस तरह से ए जेड तक के उसके बाद हम बी और सी का भी कर सकते हैं बी डी E इस तरह से बी और जेड का कर सकते हैं तो दो दो लिया तो ही कितने हो जाएंगे उसके बाद हम ए बी सी ए बी डी ए बी ई और इस तरह ए बी जेड ये भी तो एक पोर्टफोलियो हो गया और उसके बाद ए बी सी डी ए बी सी डी e. कहानी खत्म नहीं हुई है A और पॉइंट एट पॉइंट टू वेट दे सकते हैं सिर्फ ए और बी मिलाकर ही कितने सारे पोर्टफोलियो बन सकते हैं अगर हम उसका वेट चेंज कर देता हूं समझ में आया तो शायद अब आपको मेरी बात पे यकीन हो गया कि हम सिर्फ दो स्टॉक से ही इनफाइनाइट नंबर क्रिएट कर सकते हैं छब्बीस तो आप इमेजिन करो कितने सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं क्योंकि तो अलग अलग वेट भी डालना मतलब एक अलग पोर्टफोलियो का निर्माण करना है जो भी आप पोर्टफोलियो क्रिएट करोगे जो भी जो भी कॉम्बिनेशन उसमें दो स्टैटिस्टिकल मेजर्स होंगे एक रिस्क और एक रिटर्न हर एक पोर्टफोलियो का एक रिस्क होगा और एक रिटर्न होगा ठीक है तो सपोज एक मार्केट में 26 सिक्योरिटीज हैं थ्योरेटिकली हाइपोथेटिकली ओके और हमने इन इनफाइनाइट पोर्टफोलियोस क्रिएट कर दिया उनको अलग-अलग कॉम्बिनेशंस -अलग में लेके हर एक कॉम्बिनेशन का हर एक पोर्टफोलियो का एक रिस्क और रिटर्न होगा ओके और अगर हम सारे के सारे अगर हम सारे के सारे पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न एक डायग्राम में प्रेजेंट करें तो कैसा दिखेगा देखना नेक्स्ट पेज पे अब डायग्राम में इस थियोरी में एच एम थियोरी में रिस्क एक्स एक्सिस पे है और यहाँ पे रिस्क है स्टैंडर्ड डिविएशन यानी ये जो रिस्क है ये कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ हो रहा है मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड डिशन और वाई एक्सिस में है एक्सपेक्टेड रिटर्न तो जितने भी सिक्योरिटीज होंगे उनका कहीं ना कहीं इस ग्राफ में उनका एक रिस्क और रिटर्न आएगा तो असंख्य सिक्योरिटीज हैं तो हैरी मार्कोविट्स ने एक्सपेरिमेंट करके देखा है उनका कहना है कि जितने भी रिस्क एंड रिटर्न है वो इस पर्टिकुलर एरिया में आ जाएंगे ओके यानी हर एक सिक्योरिटी का रिस्क कोई ना कोई एक एरिया रहेगा उसके अंदर ही रहेगा ना ये उन्होंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है हो सकता है आप ऐसे भी ड्रॉ कर लो ठीक है ये आपका मेहरी है तो सिंप्लिसिटी के लिए हम अज्यूम करेंगे जितने भी पोर्टफोलियो थे उनका रिस्क और रिटर्न इस एरिया में आएगा इस डायग्राम में ठीक है तो पहली बात समझ में आ गई कि जितने भी सिक्योरिटीज हैं उनके रिस्क और रिटर्न को एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो वो एक एरिया में आएंगे कि ये है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पोर्टफोलियो ए है उसका रिस्क और रिटर्न इतना है ये उसका रिटर्न हो गया ये उसका रिस्क हो गया दूसरा पोर्टफोलियो का मान लो सी है उसका ये रिटर्न है, ये रिस्क है ये रिटर्न है। एक बी है बी का इतना रिस्क है ये रिटर्न है इसी तरह हर एक पोर्टफोलियो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए पाँच छः पोर्टफोलियो लिखे हैं ए बी सी डी ई लेकिन ये इनफाइनाइट हो सकते हैं राइट right. तो यहां तक हमारा डिस्कशन हो गया अब देखते हैं आगे ये जो पोर्टफोलियोज है इसमें कुछ पोर्टफोलियोज एफिशिएंट पोर्टफोलियोज होंगे एक बार पीछे जा रहा हूं मैं जैसे फॉर एग्जांपल देखना बी और ई e को देखना बी ई e, दोनों सेम लाइन पे हैं बी और ई e. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एफिशिएंट पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा सा चर्चा की थी अब आप मुझे बताओ जो कल हमने चर्चा की थी एफिशिएंट पोर्टफोलियो के बारे में बी और ई e में कौन सा पोर्टफोलियो एफिशिएंट है बी और ई e में कौन सा पोर्टफोलियो एफिशिएंट है तो आपने सही कहा बी एफिशिएंट है बी एफिशिएंट क्यों है एक E के मुकाबले इसका रिटर्न तो उतना ही है लेकिन रिस्क कम है सो बी इज एफिशिएंट ओके उसी तरह मान लो एफ यहां है और सी यहां है एक ही लाइन पे इसीलिए लाइन ड्रॉ की हुई यहां पे यह बताने के लिए सी और एफ एक ही लाइन में है अब आप मुझे बताओ सी और एफ में कौन एफिशिएंट है आप बोलेंगे सी एफिशिएंट है हाइयर रिटर्न फॉर द सेम रिस्क C is efficient. Okay. तो ये जो outer line है this outer line is made up of efficient portfolio. Outer line में सभी portfolio efficient है मतलब या तो वो किसी और portfolio के मुकाबले higher return दे रहे हैं या किसी और portfolio के मुकाबले उनका risk lower है तो ऐसे portfolios को हमने कल भी decide किया था क्या कहना है efficient portfolio. What is an efficient portfolio? An efficient portfolio is a portfolio which gives you maximum return for a given level of risk or lowest risk for any given level of return. As usual, a portfolio which gives you highest return for a given level of risk or the lowest risk for the given level of return is called efficient portfolio, or is you line hai, outer line. एक बार वापस दिखाते हैं ये जो लाइन है जो एफिशिएंट पोर्टफोलियोस को जोड़ती है इट इज कॉल्ड एफिशिएंट फ्रंटियर इट इज कॉल्ड इस लाइन को बोलेंगे एफिशिएंट फ्रंटियर इस आउटर वाली लाइन को और एफिशिएंट फ्रंटियर का मतलब है अ लाइन ज्वाइनिंग अ लाइन ज्वाइनिंग ऑल एफिशियंट पोर्टफोलियो अलाइन ज्वाइनिंग ऑल एफिशियंट पोर्टफोलियो ओके तो जब एफिशियंट पोर्टफोलियो है तो ये इन एफिशियंट को कोई चूज नहीं करेगा तो हमारे एग्जाम्पल में एबीसीडी एफिशियंट पोर्टफोलियो है बिकॉज दे विल आइदर गिव यू हाइस्ट रिटर्न फॉर द सेम रिस्क और लोएस्ट रिस्क फॉर द सेम रिटर्न ओके